एक्चुअली तो एक बात बताओ, ये सांप मरेगा कि बचेगा? इसकी जहर की फैली निकाल ली, तो जहर की फैली निकाल ली जब भोजन करेगा किसी मेंढक को, चूहे को खाएगा, आओ ये तो ये अपना भोजन कैसा पचाएगा, कैसा पचेगा? जब तक के सांप का जो भोजन रहता है, जब तक उसके अंदर में सांप जहर इंजन नहीं करेगा, सांप जहर को नहीं डालेगा, तब तक खाना नहीं पचता जाता है। ऐसा ही है। कहाँ से, कहाँ से आया है ये सांप? आप ये देखो थोड़ा, पूरा सुस्त हो चुका है, सुस्त है ना ये? सुस्त नहीं, चार दिन से आप रखे हो। आप क्या अंडा खाता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है कि आपके हाथ से अंडा क्यों? तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंडा खाता है? अगर खाता है मगर आपके रहते हुए खाएगा, ऐसा होता है? निकाल नहीं, गलत बात है। आप कमाने का कोई जरिया हो तो आप दूसरा रखिए करिए ना। एक बार थोड़ा देखना, आपका जरिया जो है वो दूसरा होना चाहिए। इसको तत्काल अपने को छोड़ना है, कल नहीं छोड़ेंगे, अभी पूरा छोड़ेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? आपके हाथ है अच्छे, हाथ पैर है, सब कुछ है, क्यों उड़ दिए? किसको दर्शन करना है? बड़े भैया सब फोटो में दर्शन कर लेते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? हर समय नहीं रखने की चीज होती है, मगर आप बोल रहे हो, मगर ये जीवित रहेगा क्या? जीवित रहता ना, और कैसे रहेगा मुझे बताओ। है ना, पूरे दांत आप गए, इसके जैसे दांत आप निकाल गए, उससे भी पिक्चर जाते। मैं नहीं मानता ब्रदर, तुम ये देखिए सांप को पूरा सुन रहे। आज ये कितने कितना के बस लाया, ये देखिए कितना नील चूहा ऐसा रहता है क्या सांप? आप देख सकते हो यहाँ पर एक महापुरुष है जो कि सांपों को कहना भी है कि सांप का जहर निकाल चुके हैं। तो अब देखते हैं, देखिए बेचारा सांप आप देख सकते हो दोस्तों, ये सांप को इनने सील के रखा है क्या? ये देख लीजिए, दिखाओ बेटा दांत। ये सांप के देख सकते हो आप दोस्तों, दांत तोड़ चुके हैं पूर्ण रूप से। ये देखिए दांत इसमें नहीं है, कहाँ दांत है? ये देखिए दांत नहीं है। और ये देखिए बेटा, ये देखो, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, दूर हो। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों होता ये है कि एक प्रकार से जब दांत तोड़ते हैं तो इसमें मवाद बनता है, और ये मवाद बनना चालू भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए किस प्रकार से इसके दांत की जगह पे जो है दोस्तों पूर्ण रूप से घाव बन चुका है। घाव बनने के बाद में इसमें क्या होता है कि होता है कैंसर का रूप ले लेता है ये, और इसकी हो जाती है मौत हो जाती है इसके बाद में। और इसकी देख सकते हो आप, यहाँ से थैली भी निकल चुकी है, जो पायजन की थैली होती है वो भी यहाँ पर ये निकाल चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए ये यहाँ पर पायजन की थैली होती है दोस्तों, जिसमें जहर पाया जाता है। और ये देखिए किस प्रकार से ब्लडिंग हो रही है इसमें। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो वन विभाग को बुला के आप अरेस्ट करवा सकता हूँ, सबसे पहली बात मैं वो नहीं करूँगा। आप इसको आपके हाथ से छोड़ दीजिए मेरे सामने। आपने इतना पकड़ के रखा, गलत बात है। ये आपने टोकरी में रखी और चलिए मेरे साथ, कल मेरे साथ चलिए। आप दिन भर में 500 रुपये कमाओगे? पैसे ले लो ना, 3 ग्राम ले लो, कोई गारंटी है कि छोड़ दूंगा? सरकार में घटना तुम जाओ।
अपने झूले में से अपने झूले में से लाओ भाव कटवाओ वो जड़ी खाएंगे वो। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि ये सब अरे ये वो है ना यार क्या कहते वो गाड़ जाती उसमें खाते की नहीं अपनी अरे मैंने खाई है ना तो कभी दूंगा ना चुटिया क्या है गाय की जड़े चल बता तू नाम बता वो आपने बताया अबे तू बता शंकर जटा की बोलते कुछ नहीं शंकर जटा की कुछ नहीं करे जबकि कोबरा को इसलिए इतना इसकी स्किन क्या खराब कर रहे हैं जबकि काट लेता मेरे को इतना छोड़ता इसको इतना रिस्क होता पकड़ने का मुंडी मैं ऐसा करता काट लेता हम क्या काटे काम धंधे करो ये जो बेजुबान जीव है ना उनकी हत्या करने के लिए मत भिड़ो है ना और धर्म का सत्यानाश मत करो आप लोग तो शिवरात्रि का मतलब ये है कि आएगी रात्रि आते जाते रहेगी भगवान का काम है मेहनत करके कमाई करो ना भैया ऐसा चीजें नहीं करें तुम क्यों नहीं कर आप समझ सकते हो सब परिस्थितियों काम करेंगे मेरे यहाँ काम करेंगे चलो चोला निकाल यहाँ दुकान पे काम करो कौन सा काम करते थे कहाँ गए थे सपेरे लोग तुम दोबारा अगर हम सर्प मित्र हम ऐसे जीव को आप परेशान करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर शायद हमारे अंदर दया है इसलिए आपको छोड़ रहे हैं और नहीं तो आपको वन विभाग अगर ले जाए आपका भी डबल से देख ले तो हमको तुम दिखोगे नहीं ना तुम मालूम है कि यहाँ कौन बैठा है दोबारा नहीं आएंगे नहीं आते ना आना भी नहीं कोशिश करो हो सके तो ये काम भी बंद करो मेहनत करो ये टैक्सी थोड़ा दिख रहा है आपको ये बेचारा गरीब है ये भी बैठ के लिए करना ये भी गरीब है काम कर रहा है तो ये काम ऐसे होते हैं या ऐसे नहीं होते किसी जीव को परेशान कर तो फिर तो शेर को टांग ले अपने गले में उसकी पीठ पर तुम बैठ जा ऐसा मत करना है ना अरे भैया उसको बहुत पैसा दे रहा है कुछ कुछ मैं सर को मित्र मेरे को उस जीव के साथ खेल खिलवाड़ा चाहिए आप बैग लाया क्या चलो ये कोबरा पकड़ लिए इनने अरे भैया दांत तोड़ दिए फेवर कोबरा पानी अब आप यहाँ से एक सेकंड तुम्हारी जो समस्या दिन भर की मौजूद है अरे भैया उनको काम कुछ कर लो वो डाल देगा तुम्हारे वो 500 भी नहीं मिलेंगे फिर तुमको 500 मिल जाए वो भी नहीं मिलेंगे तुमको 5000 वरना ये 500 रखो आराम से टोकनी आपका मतलब टोकनी में और साफ रखोगे क्या आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक कोबरा सांप पकड़ा हुआ था बाबा जी ने और उसका जहर भी निकाल चुके हैं दांत भी निकाल चुके हैं उसको उसे आप सुरक्षित पर्यावरण में छोड़ देंगे तो ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि ऐसा सांप को परेशान ना करें और उनके साथ में नुकसान ना करें और देख सकते हैं बहुत भीड़ लग चुकी है पर्यावरण में और इसे जाने देते हैं क्योंकि दोस्तों जब सांप दोस्तों अगर इसके जहर निकाल लिया जाए या सांप के दांत निकाल लिए जाए तो ये खाना को पचा नहीं पाता भोजन को पचा नहीं पाता अपने
क्योंकि दोस्तों उसे दांत अपने दांतों की और जहर की दोनों की ज़रूरत होती है खाना पचाने में और खाने में। तो दोस्तों ये इस प्रकार से जी नहीं पाता है, मगर आज हम इससे यहाँ पर रिलीज कर देते हैं और आप भी आइए, बने रहिए वीडियो में। आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए इसके दांत भी यहाँ पर निकाल चुके हैं ये, और ये देखिए ये किस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर दांत भी यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों इसे रिलीज करते हैं यहीं पर पर्यावरण में और जाने देते हैं। हमारा कार्य अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।